तो हेलो एवरीवन, आज हमारे हेलो सुप्रभातम एंड वेलकम ऑल। तो आज दिन की शुरुआत करेंगे हम स्किल लैब से, और स्किल लैब में जाते ही आज मैं देखती हूँ कि दूसरे वाले रूम में कुछ कलाओं का प्रदर्शन हो रहा है शायद, और ये रहा हमारा गौरव जो अपनी असीम कलाओं का प्रदर्शन कर रहा है। और गौरव को देख के मुझे भी काफी मोटिवेशन आ चुकी है, तो मैं अब सोच रही हूँ कि जाके कुछ गौरव से बात कर ली जाए। हमारे नेशनल लेवल बैडमिंटन के प्लेयर भी हैं क्लोजअप में आते हुए। बिल्कुल गौरव, अपने बारे में कुछ बताइए, जनता वांट्स टू नो आपके बारे में। गौरव अपने बारे में कुछ बताइए, प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। गौरव अपने बारे में कुछ बताइए। कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। तो गौरव की विवादी बातों के बाद अब कुछ और एंट्रीज भी हो चुकी हैं, और मुझे लग रहा है यहाँ पे सभी अपनी कलाओं का खूब प्रदर्शन करने वाले हैं। यस, वीडियो बनाएगा। अली शफल, अली शफल किसी भी साइड। ये मूवमेंट समझ गया। ओह, वेरी वेलकम। और इसके बाद अब बारी आ चुकी है कनिष्क की। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि गौरव आ चुका है अपने फुल फॉर्म में, और शायद कामा की स्मूथनेस को देख के इसे अपनी कुछ और कलाएं भी बतानी है कि कुछ ऐसा भी कर सकता है। लेकिन अब बारी आएगी कामा की, तो कामा बॉय तो फिर नीचे नीचे ले रही हूँ। और यहाँ पे गौरव थोड़ा सा रोमांटिसाइज होते हुए केमिस्ट्री टेस्ट होती है दोनों की। और ये रहा नवीन जो कि कुछ हसीन पल बिताने के बाद अब दिखाएगा अपनी कला को। उसके बाद हमारी मुलाकात होती है मनोज से, जो कि सोच रहे हैं अपनी स्किल्स के बारे में, और शायद नेक्स्ट मुलाकात में वो हमें अपनी स्किल्स को बताएं। तो इसी तरह हमारा स्किल सेशन ख़त्म होता है, और एंड में होती है एक सेल्फी जिसको लेता है कामा बॉय। तो क्लास लगाने के बाद और अपनी अपनी स्किल्स दिखाने के बाद हम सभी को होता है लंच। अब हम जाएंगे लंच के लिए। लंच के बाद होने वाली है हमारी क्लास, लेकिन हमें पता चलता है कि ऑल ऑफ द सडन हमारा टेस्ट रख दिया गया है जिसके रिव्यूज कुछ इस तरह से हैं। मोहित आपको कैसा लग रहा है, एक सडन सरप्राइज टेस्ट गाइनी आ चुका है। मैं फोन लेके आया हूं लेकिन मेरे प्रेप के नोट्स तैयार नहीं है। सो बोल रहा है कि आपके नोट्स तैयार हो गए, मुझे मैथ से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आया कि बस मुझे कोई सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, बाकी मैं नाम और अनुमति इतने आ गया हूं बस। हां, अटेंडेंस जरूरी होती है। वैसे ही आता बस मैंने जस्ट उनके। तो जैसा कि हमें नोटिफाइड नहीं था कि टेस्ट होने वाला है, तो क्लास अभी खाली ही है। हमारा पीजी पास होने की वजह से हम जल्दी से भाग भाग के क्लास में आ चुके हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे शायद सारे बच्चे आ जाएंगे, और ये बच्चे धीरे धीरे आते हुए। और यहाँ साथ में बैठ चुकी है मेरी सखी जो कि है असीम दुखी, पर दुखी मन से भी कर रही है टेस्ट की तैयारी। कुछ पेजेस का जुगाड़ किया जा रहा है पीछे, लेकिन कुछ लोग हैं असीम खुश, पता नहीं क्यों। तो हेलो एवरीवन, आज हमारे तो दोस्तों टेस्ट की टाइमिंग थी 2 बजे, और अभी टाइम हो चुका है 2:30, पर अभी तक कोई टीचर नहीं आया तो अब हम असमंजस में हैं, असीम असमंजस में हैं हम कि क्या टेस्ट होगा या टेस्ट नहीं होगा। तो 120 में से 110 बच्चे आ चुके हैं, लेकिन टीचर तो वक्तावत बढ़ता हुआ और टाइम हो चुका है 2:40, पर अब तक कोई भी नहीं। हम इंतजार में हैं। इसी बीच मोगा करता है अपने टाइम को यूटिलाइज और शीट पे करता है अपना नामकरण। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि मोगे का नाम मोगा नहीं है, मोगे का नाम है जैस्मिन, लेकिन प्यार से हम उसे मोगा बोलते हैं। तो इस सडन ऑनसेट टेस्ट के चलते काफ़ी परेशान हो चुके हैं लोग, और बस अब देखते हैं कौन आता है। अभी तक तो कोई आया नहीं है टेस्ट लेने के लिए, तो कुछ टाइम में शायद सर आ जाएंगे, और हम सिर्फ एक पेन कागज़ अपना रोल नंबर और डेट याद करके आए हैं। अब लेट अस सी कैसा होता है टेस्ट और क्या होता है।
समय हो चुका है 3:05 पर अभी तक कोई नहीं आया. नहीं आया कोई भी. होगा खुश हूँ मैं. थैंक यू. तो अभी हम आपको कुछ और रिव्यूज बताएंगे कि सबको सरप्राइज टेस्ट के बारे में कैसा लग रहा है. हेलो हेलो. तो ये सभी हैं हमारे बैचमेट्स हैं. तो टीचर्स ने हमारा थोड़ा ऐसे कर दिया तो अभी टेस्ट नहीं हो पा रहा है. तो आप सबको कैसा लग रहा है? बहुत खराब. बहुत खराब. हाँ ये तो सो गई है कहीं. ये सो के दुनिया ही है. तो फाइनली टेस्ट होने के बाद अब मुझे जाना है पीजी और वहाँ से डॉक्टर साहब के साथ जाना है मार्केट. बोलते हैं शार्प 5 पर आते हैं ब्लंट 5 पे. आओ आना पड़ेगा थारे को. छिपाते मुंह करते कुछ नहीं ऐसा. तो ये रहे हमारे रिस्पेक्टेड श्वेता डॉग साहब प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते हुए और आनंद के साथ साथ उसकी खुशबू भी लेते हुए. तो आज मैं और श्वेता डॉग साहब जाने वाले हैं मार्केट क्योंकि हमें लेने हैं कुछ गिफ्ट्स और साथ में करनी है थोड़ी सी शॉपिंग. तो चलिए शुरू करते हैं शाम का सफ़र. तो शाम के सफ़र को शुरू करने के लिए हम पहुंचते हैं सबसे पहले ग्राउंड. ग्राउंड के बाद हम जाएंगे थोड़ी सी धूल मिट्टी खा के एक शॉप की तरफ, एक सुंदर सी शॉप की तरफ जहाँ पर मिलेंगे हमें बहुत सारे फूल. तो बहुत सारे फूलों को देखने के बाद हमारे फूल जैसे डॉग साहब करते हैं एक फूल को पसंद. उसके बाद हम चलेंगे अब दूसरी जगह जहाँ पे सबसे पहले हम खाएंगे गोलगप्पे. तो गोलगप्पे खाने के बाद हमें लेना है एक और गिफ्ट. तो अगेन काफ़ी सारे गिफ्ट्स देखने के बाद डॉग साहब ने की है एक बहुत प्यारी सी फ्रेम पसंद जिसे पैक करा के अब हम चल देंगे नेक्स्ट लोकेशन पे. तो दोस्तों यही है वो जगह जहाँ पे किसी भी लड़की का अकाउंट हो सकता है पूर्णतः खाली. और मैंने और डॉग साहब ने भी कर ली है यहाँ से असीम शॉपिंग. तो असीम शॉपिंग करने के बाद अब हम जाने वाले हैं सलून. तो सलून जाते ही डॉग साहब को मिल चुका है एक क्यूट सा बच्चा जिसके साथ डॉग साहब भी एक क्यूट बच्चा बन चुके हैं और कर रहे हैं कुछ क्यूट क्यूट हरकतें. तो सलून में काम कराने के बाद फाइनली हम चलेंगे पीजी की तरफ. और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि दिन से शाम और शाम से रात हो चुकी है. तो ये रहा रात के हॉस्पिटल के कुछ नज़ारे. और मैं और डॉग साहब ने काफ़ी फ़न भी किया, गिफ्ट्स भी लिए, काम भी किया और अब हम डिनर करने के लिए पीजी भी पहुंच चुके हैं. तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.